हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी की बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं आपको सेल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा स्टैंडर्ड 9th और 10th में आपने सेल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, लाइक दैट सेल डेफिनेशन, सेल ऑर्गेनल्स, थोड़ा बहुत सेल के बारे में जानकारी आपने ली होगी। बट नाउ स्टैंडर्ड 11th के अंदर इन बायोलॉजी सब्जेक्ट सेल की डेफिनेशन हमको एक तो नीट पर्पस और एनसीईआरटी बोर्ड के पर्पस हमको डिस्कशन अभी करना है। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपके सामने एक डेफिनेशन दी गई है। सेल इज अ स्टूडेंट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक डेफिनेशन आपने 9th और 10th में भी देखी होगी, पढ़ी होगी। तो अभी रिपीटेशन में कर रहा हूं आपको कि स्ट्रक्चरल क्या है। स्ट्रक्चरल यानी कि उसके अंदर या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सेल्स के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होके वन टाइप ऑफ सेल बनाते हैं। एक और बात ये हुई, अब कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल इज इक्वल टू टिश्यू, जो आपको पता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल इज इक्वल टू टिश्यू, कॉम्प्लेक्स ऑफ टिश्यू इज इक्वल टू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एंड देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट होगा। तो सेल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी ये जर्नी है वो जर्नी को स्ट्रक्चरल बोला गया है, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो तैयार होता है सिंगल सेल से, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल बोला गया है। आगे स्टूडेंट्स फंक्शनल की बात करेंगे, तो सिंपल के जो भी सेल्स है जो भी टाइप्स के उसके फंक्शन होंगे उस टाइप का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उसमें फंक्शनल होगा। ठीक है, और इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपना लाइफ स्पैन आगे चलाता। तो इससे हमको पता चलता है सेल की डेफिनेशन जो मैंने आपको दिखाई। रिपीटेशन करूंगा मैं तो कि सेल इज नोन टू बी द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल्स में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल के हिसाब से ही वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा जो बॉडी है, ऑर्गेनिजम्स का बॉडी है वो तैयार हुआ होगा, यानी कि हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो एनीथिंग लेस देन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो सेल के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी भी मेडअप नहीं हो सकता, ये हमको पता है। आगे भी मैंने बोला आपको, अभी रिपीटेशन में कर रहा हूँ कि जो सेल है, सेल काफी सारे सेल जुड़ के टिश्यू, टिश्यू जुड़ के ऑर्गन, ऑर्गन जुड़ के ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम जुड़ के पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स तैयार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही एंड ऑल्सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक हम प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, वो सारे जो है प्लांट्स और एनिमल वो सभी के मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जो भी एनिमल्स है, जो भी प्लांट्स है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से ही बने हुए हैं। ये सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन है मैंने आपको दी। ठीक है, कंप्लीट है कि ये सेल से ही बना हुआ होगा। अब बात करते हैं कि सर आपने सेल के बारे में बोल रहे हो, सेल के बारे में बोल रहे हो, तो सर सेल कैसे पता चला कि ये सेल है, किसने उन पे काम किया, कौन से साइंटिस्ट थे जिसने हमको बोला कि ये
कुछ सेल के जैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले आएगा एंटोन वैन लुवेनहॉक, जो आपके सामने ये तस्वीर है वो। लुवेनहॉक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल्स, आपने 9th और 10th में पढ़ाई है कि लुवेनहॉक है, उसने बार्क में कुछ देखा था लिविंग सेल को। एंड ये जो लुवेनहॉक ने जो सेल देखा, यानी कुछ इस तरह का फंक्शन देखा, जिसके बाहर की परत में लेयर था, अंदर कुछ न्यूक्लियस जैसा दिख रहा था, ठीक है। फिर बाद में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने वो सेल को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि वो जो दिख रहा था फंक्शन, वो जो एरिया दिख रहा था, उसको उन्होंने बोला सेल। तो ऐसे सेल की हिस्ट्री स्टार्ट हुई दो साइंटिस्ट के वजह से। फर्स्ट था लुवेनहॉक, जिसने सेल को देखा, सेकंड था वो जो सेल स्ट्रक्चर दिख रहा था उसको नाम दिया सेल, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। आगे देखेंगे तो स्टूडेंट्स, ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हुई सेल के बारे में। अब ओवरव्यू देखने जाते हैं हम। तो ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स, जो हमको पता है कि ये स्टूडेंट्स आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है सेल को आगे बढ़ाने के लिए। सेल की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, फिर उसमें आप डीपली उसका स्टडी कर सकते हो। तो कि एन ओवरव्यू एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक तो है सिंगल सेल की बात की गई है, दूसरा मोर सेल्स, वन और मोर सेल्स की बात की गई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से दो टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो कि फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म में यूनिसेल्यूलर और सेकंड है मल्टीसेल्यूलर। स्टूडेंट्स, यूनिसेल्यूलर जो है उसका मैं नाम देता हूँ आपको, तो आपके माइंड में तुरंत ही लाइट होगी कि ये जो यूनिसेल्यूलर है उसमें तो अमीबा आ सकता है, पैरामीशियम आ सकता है, यूगनिना आ सकता है, तो यू आर राइट। यूनिसेल्यूलर इज कॉल्ड टू कंपोज ऑफ सिंगल सेल। उसके एग्जाम्पल देखने जाए तो अमीबा, पैरामीशियम, यूगलिना, काफी सारे जो है एनिमल्स वो है। मल्टी सेल्यूलर की बात करते हैं तो कंपोज ऑफ मैनी सेल्स। कंपोज ऑफ मैनी सेल्स इज इक्वल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी तैयार होगी। मल्टी सेल्यूलर को स्टूडेंट्स अभी हम साइड में रखते हैं, यूनिसेल्यूलर की बात करते हैं थोड़ी। तो स्टूडेंट्स, यूनिसेल्यूलर जो है, एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूनिसेल्यूलर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। सर, अब इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? तो इंडिपेंडेंट क्यों? तो कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपना जो लाइफ स्पेन है वो आगे बढ़ाते हैं। तो सर, असेक्सुअल क्यों हुआ? तो स्टूडेंट्स, देर आर अमीबा, पैरामीशियम, यूगलिना, इट हैज नो रिप्रोडक्टिव organs, दैट मीन्स हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल चाहिए। और एक बात, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव organ चाहिए। तो सिंगल सेल है, काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी बढ़िया से देखते हैं, ठीक है, हम नेक आई से तो उसको देख नहीं सकते, तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगी, तो वो है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। 9th और 10th में आपने देखा होगा कि अमीबा है जो बाइनरी फ्यूजन करके वो अपने जैसा नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ऐसे कि अमीबा जो है, ठीक है, उसमें से दो बाइनरी फ्यूजन होके दो नए अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, अपने जैसे ही दिखने वाले दो प्रोड्यूसर। तो वो हुआ, वो आबे हो, यानी कि क्लोनिंग दिख रहा है, जैसा ही पेरेंट था वही ऐसे ही ऑफस्प्रिंग है, इसके हिसाब से हम उसको बोल सकते हैं क्लोन। तो एक आपको इंफॉर्मेशन दी मैंने, आप 12th स्टैंडर्ड में ये पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिजम्स में कि अमीबा, पैरामीशियम, यूगलिना कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में।
तो ऐसा दिखाया गया कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि वो अपने हिसाब से सिंगल सेल है, यानी कि उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी इनकी उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी इंडिपेंडेंट होगी कि वो अपने आप, यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे हम उसमें। अब स्टूडेंट्स हम ऐसी बात करना चाहेंगे कि और साइंटिस्ट की बात करेंगे हम, जो साइंटिस्ट ने हमको ये सेल की थियरी समझने के लिए काफी सारी बात की है। तो सेल थियरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम। तो द सेल थियरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय टू जर्मन साइंटिस्ट। फर्स्ट नाम है उनका, जो साइंटिस्ट है उनका फर्स्ट नाम है, जिसको नाम दिया है स्लेडन, और दूसरा नाम है शॉन। स्लेडन और शॉन के हिसाब से ही वो फेमस है, ठीक है। दो जर्मन साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली उन्होंने वर्क किया सेल के ऊपर, क्या वर्क किया वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्लेडन था 1838 में उन्होंने एग्जामिन किया, यानी कि वर्क किया सेल पे। एक और बात स्टूडेंट्स कि ये जो है स्लेडन वो प्लांट्स पे काम कर रहे थे। स्टूडेंट जो भी साइंटिस्ट प्लांट्स पे काम करता है उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट, क्योंकि स्टडी ऑफ प्लांट इज इक्वल टू बॉटनी। तो वन टाइप ऑफ ब्रांच है स्टडी स्टडी ऑफ प्लांट्स की इज इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं हम बॉटनी। तो उसके हिसाब से जो बॉटनी पे वर्क करता है साइंटिस्ट उसको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट। अब देखते हैं उसने उन्होंने क्या काम किया था। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट टिश्यू एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। प्लांट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम वो सारे टिश्यू दिख रही है हमको, देखने को मिलती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर टिश्यू बनाने के लिए हमको तो पता है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल इज इक्वल टू टिश्यू, ठीक है। तो सेम काइंड ऑफ सेल्स इज इक्वल टू मेड अप ऑफ टिश्यू, यानी कि सेम काइंड ऑफ सेल्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वाले उससे हम टिश्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने डीपली प्लांट पे टिश्यू वर्क किया, यानी कि प्लांट टिश्यू पे वर्क किया। स्टूडेंट हम प्लांट टिश्यू पे क्यों कैसे वर्क कर सकते हैं, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके सेल के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर बाद में ही उनको हम टिश्यू में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या उस पर स्टडी कर सकते हैं। तो ये बात हुई स्लेडन की। तो उन्होंने प्लांट टिश्यू पे काम किया, उन्होंने बताया हमको कि जो प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ये बात हुई प्लांट्स की, जिसने हमको किसने दिखाया स्लेडन ने 1838 के अंदर। स्टूडेंट्स ये जो ये इयर्स है वो आपको याद रखना है, लर्न करना है, क्योंकि ये जो गुस्सैट है नीट की एग्जाम जो है एम्स है उसमें ये जो इयर्स है वो भी कहीं पे जगह आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं शॉन। स्टूडेंट ये जो है स्लेडन उन्होंने प्लांट्स पे काम किया, तो ये जो है शॉन उन्होंने स्टूडेंट एनिमल पे काम किया। तो सर अब एनिमल को हम क्या बोल सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा एनिमल जो है स्टडी ऑफ एनिमल इज इक्वल टू जूलॉजी। जूलॉजी की ब्रांच जो है जो एनिमल्स पे स्टडी करती है, ठीक है। तो ये बात होगी एनिमल की जूलॉजी बोलते हैं। तो सोन को हम क्या बोल सकते हैं, जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट हम सोन को बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सोन की स्टडी पे। तो जब स्लेडन ने काम स्टार्ट किया था उनके भीतर ही, यानी 1989 के अंदर सोन ने भी स्टार्ट किया था। क्लोजली स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड फाउंड दैट द एनिमल सेल हैड अ वेरी थिन आउटर लेयर। स्टूडेंट्स उन्होंने काफी सारे एनिमल्स के सेल पे काम किया, एनिमल सेल्स पे काम करने के बाद उन्होंने एक
स्टडी किया कि जो सेल है वो सेल के आउटर कवरिंग एरिया में कुछ लेयर जैसा दिखने को मिल रहा है। ये मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एनिमल सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एनिमल सेल्स में आउटर कवरिंग एरिया में एक कुछ लेयर जैसा दिखने को मिला, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बात हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, ये उन्होंने एस्टैब्लिश किया। अब बच्चा क्या हुआ उसमें कि ये जो श्वान है उन्होंने एनिमल पे तो देख लिया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कुछ दिख रहा है, फिर उन्होंने स्टडी किया प्लांट पे। तो स्टूडेंट प्लांट पे आउटर कवरिंग एरिया हमको पता है, प्लांट्स का आउटर कवरिंग एरिया में देखा जाए तो कि प्लांट सेल है कुछ इस तरह मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसमें आउटर कवरिंग एरिया में आपको पता है कि प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, ठीक है। तो उन्होंने एक डिफरेंशिएशन देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल में स्टूडेंट्स उन्होंने क्या देखा, तो कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा था एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर आउटर कवरिंग एरिया में सेल वॉल दिखी उनको, और वो सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। तो स्टूडेंट्स दो साइंटिस्ट हमारे सामने आए, स्लेडन और स्वान। स्लेडन ने 1839 के अंदर वर्क किया प्लांट पे, प्लांट सेल पे वर्क किया। उसके बाद उसके भीतर ही काम कर रहे थे साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम है स्वान। 1839 के अंदर उन्होंने भी वर्क किया, उन्होंने डिफरेंशिएशन किया प्लांट सेल और एनिमल सेल के आउटर लेयर को। एनिमल सेल के आउटर लेयर में उन्होंने देखा जिसका नाम उन्होंने दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमको डीपली स्टडी करना ही आगे। और दूसरा जो प्लांट टिश्यू के अंदर जो प्लांट सेल थे उन्होंने देखा उसके आउटर कवरिंग एरिया में सेल वॉल दिख रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डिफरेंशिएशन उन्होंने किया। आगे बढ़ेंगे, अब ये जो बात हुई स्लेडन और स्वान ने बात की, बॉटनी और जूलॉजिस्ट ने बात की कि उन्होंने प्लांट सेल पे वर्क किया, स्लेडन स्वान ने वर्क किया जूलॉजी पे, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो आउटर लेयर है उसमें डिफरेंशिएशन दिखाया गया उन्होंने। अब बात करते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्शन ऑफ टू सेल थियरी। ऑब्जेक्शन कहाँ पे आया? सबसे पहले आए लुवेनहॉक, उसके बाद आया रॉबर्ट हुक, उसके बाद आया स्लेडन स्वान। उन्होंने काफी सारी इंफॉर्मेशन सेल के बारे में दी स्टूडेंट, नो डाउट। बट टिश्यू कब बनती है, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, टिश्यू कब बनती है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल इज इक्वल टू टिश्यू। तो सर कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल बनाने के लिए काफी सारे सेल चाहिए, तो सिंगल सेल में से और सेल कहां से आएंगे? वो अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया था, ठीक है। समझ रहे हो आप कि काफी सारे सेल्स आते कहां से है, तो किसी ने प्रूव नहीं किया था। इसके हिसाब से अभी ये जो सेल थियरी है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, फेल हो रही थी। स्लेडन और स्वान ने इतना कुछ समझाने के बाद भी ये थियरी कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि टिश्यू कन्वर्टेशन हमको नहीं दिखा सकते कि सेल कहाँ से आते, तो ये थियरी ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट होगी। उसके बाद आया 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो। स्टूडेंट्स रुडोल्फ विर्चो थे, वो उन्होंने एक बात की, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि समझना स्टूडेंट्स, ये इसके बाद का चैप्टर भी है जो हम पढ़ेंगे, कि सेल जो है पेरेंटल सेल में से सेल डिवीजन हो के दो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर, रिपीट करता हूं मैं, तो कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पेरेंट सेल में से ही डिवाइड होके दो न्यू ऑफस्प्रिंग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको रुडोल्फ विर्चो ने दिखाया।
ठीक है, विश्व ने अपनी लैंग्वेज में ये जो प्रोसेस हो रही है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। स्टूडेंट ये ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब भी वही है कि सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये स्लेडन स्वान और रुडोल्फ विशोफ उन्होंने मिलके अब सेल थियरी का जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट किया, यानी कि अब सेल थियरी जो है वो कंप्लीट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे अभी कि कैसे सेल थियरी कंप्लीट हुई, उसके स्टेटमेंट कौन कौन से है। तो उन्होंने उसमें देखना चाहते हैं हम, तो सबसे पहले बात की गई है ऑर्गेनिजम्स के बारे में, देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट दिखाया गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। सेल्स देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू टिश्यू, टिश्यूज प्रोडक्ट इज इक्वल टू ऑर्गन, ऑर्गन प्रोडक्ट ऑर्गन सिस्टम, एंड देन लास्ट में ऑर्गन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ऐसा बोला गया है कि सेल्स से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है। क्लियर दैट? आगे दूसरा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो हमको अभी रुडोल्फ विशोफ ने दिखाया वो, कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थर्ड वन, सेल्स शो सिमिलरिटी इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। स्टूडेंट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, मैं आपको उस वीक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कोई टिश्यू बन रही है स्टूडेंट्स, तो वो टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो सेल्स का केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेम होगी। ये ध्यान रखिएगा आप कि जो भी सिंगल सिंगल टिश्यू मेडअप होती है कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल्स से, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल के अंदर जितने भी सेल है उसका केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेम होगी, तभी सिंगल टिश्यू उसमें कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। एंड लास्ट डेफिनेशन दी गई है आपको, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ऐसा है। ये जो बात हुई सेल थियोरी तक हमने कंप्लीट की, अब आगे देखेंगे सेल पे आएंगे हम। ये जो इंफॉर्मेशन है सब स्टूडेंट्स वो आपको कहीं ना कहीं आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान रखिएगा ये जो सेल थियरी है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम एक फटाफट हाईलाइट देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया सेल्स से, लिवन हॉक आए, रॉबर्ट हुक आए, ठीक है, उसके बाद स्लेडन और स्वान आए, ठीक है, सेल थियरी दी, उसके बाद वो सेल थियरी को कंप्लीट करने के लिए रुडोल्फ विशोफ ने अपना योगदान दिया, ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे के, एंड लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट उन्होंने सेल के बारे में सेल थियरी स्टेटमेंट यानी सेल थियरी को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने दिए। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं स्ट्रक्चर आउटलाइन ऑफ सेल, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ अ टिपिकल सेल। कोई भी सेल स्टूडेंट आप देखने जाओ तो उसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा भी नहीं है कि सब में न्यूक्लियस दिखता भी है, काफी सारे सेल्स ऐसे भी है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता, लाइक दैट आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ऐसे देखने जाते हैं कि टिपिकल एक सेल है तो उसमें 3 ऑर्गन्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। फर्स्ट वाला ऑर्गन है जिसका नाम है न्यूक्लियस, उसके बाद आएगा जो है साइटोप्लाज्म, जिसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये जो 3 ऑर्गन्स है उससे पूरा सेल का बॉडी कंप्लीट होता है।
एक और इंफॉर्मेशन देता हूँ कि साइटोप्लाज्म में यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है स्टूडेंट्स, पर अभी हम मेरे को आपको सिंपल सेल दिखाने के लिए मैं अभी इंफॉर्मेशन नहीं लिखा, क्योंकि एक आपको दिखा देता हूँ कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म में के अंदर काफी सारे ऑर्गेनल्स देखने को हमको मिलते हैं। तो ये हुए आपके सेल का ऑर्गन्स, सिंपल सेल के बारे में, टिपिकल सेल के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में मैंने आपको बात की। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो कि ये जो है सेल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, तो तीनों के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। और एक बात याद रखिएगा, ये जो तीन है ये मैंने आपको सेल की बॉडी, सिंपल बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये तीन जो है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, उसकी मैं इंफॉर्मेशन स्मॉल दूंगा, स्मॉल इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर हमको डिटेल में ये चैप्टर में आगे पढ़नी ही है। तो फर्स्ट ऑल देखेंगे न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस यानी कि आपको पता ही होगा कि कैसा, क्योंकि न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ सेल्स। ब्रेन ऑफ सेल कैसे हुआ सर, तो कि विच इज अ शेप देखते हैं उसका, तो कि विच इज अ स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल दिखता है, राउंडर। इट्स नंबर कैन बी वन और मोर पर सेल। ऐसा नहीं है कि जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस देखने को फाइंड होता है उसका नंबर वन ही होता है, नो, वन टू थ्री, काफी सारे वन टू थ्री नंबर्स में देखने को मिलता है न्यूक्लियस। कहाँ पे है उसकी इंफॉर्मेशन, कहाँ पे स्टूडेंट से वो देखते हैं हम, तो कुछ स्टूडेंट्स, ये जो आपका न्यूक्लियस, आपका सेल्स है, वो सेल्स के अंदर ये हुआ आपका साइटोप्लाज्म पूरा, ठीक है, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के अंदर अराउंड में है, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इसलिए लिखा के डेंसर देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लाज्म के सराउंड में ये आपको देखने को मिलता है। सर अभी ये जो न्यूक्लियस आपने दिखाया मेरे को, उसके अंदर है क्या, यूजफुल क्या है वो, तो उसकी बात करते हैं थोड़ी। तो कि ये स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेल था, ये न्यूक्लियस मैंने दिखाया, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। और क्रोमोसोम्स क्या है, तो कि कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर कंटेन है, देखने को मिलता है, जिसका नाम दिया गया है डीएनए। आपने डीएनए के बारे में कुछ ऐसा पढ़ा होगा आगे के इस पे, ऐसा कुछ देखने को मिलता है डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म है। क्या काम है उसका डीएनए का, तो कि जेनेटिक मटेरियल्स, यानी कि अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप कैसे दिख रहे हो, आपके मम्मा जैसा दिख रहे हो कि आपके पापा जैसा दिख रहे हो, तो आप बोलोगे पापा या मम्मी जैसा, ठीक है, तो वो कहाँ से आया, तो कि वो जेनेटिक मटेरियल्स के से ही आपके पेरेंट्स में से आप में देखने को मिलता है, वो ओनली फॉर एक, जिसका नाम है डीएनए, जिसके हिसाब से ये हम बोल सकते इनहेरिटेंस होता है। क्लियर दैट, आगे देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेंट्रियोल्स विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। दो नाम दिए गए यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स एंड सेंट्रियोल्स, आगे के चैप्टर 10th नंबर ऑफ 10th चैप्टर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आप पढ़ोगे उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन, की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सेंट्रियोल्स है वो सेल डिवीजन में कैसे हेल्पफुल होता है, पूरी इंफॉर्मेशन हमको ये 10th नंबर के चैप्टर में लेनी है कि कैसे प्रोसेस होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिससे ये सेल डिवाइड होते हैं, उसके अंदर के जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बने जो मैंने बोला न्यूक्लियस के अंदर जो दिख रहा है वो जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम, वो कैसे डिवाइड होते हैं, दो सेल में कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेंट्रियोल की हेल्प से हम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात हुई आपकी न्यूक्लियस की, थोड़ी इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको, आगे हम ये चैप्टर में डिटेल में देखने वाले ही हैं
कि न्यूक्लियस कैसे वर्क करता है, क्या है उसके अंदर के फंक्शन क्या है। ये सिंपल मैंने आपको दिखाया कि न्यूक्लियर पोर आपको देखने को मिलते हैं, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलता है। क्रोमेटीन, ये क्रोमेटीन जो है वो क्रोमेटीन ही है, मैंने आपको अभी दिखाया कि क्रोमेटीन जो है क्रोमोसोम्स ऐसा कुछ दिखाया, तो कि उसकी एक वन साइड जो दिख रही है उसको क्रोमेटीन बोलते हैं ऐसे, ठीक है। न्यूक्लियोल्स बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म जैसा फ्लूइड लिक्विड देखने को मिलता है। तो ये काफी इंफॉर्मेशन है जो हम डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है स्टूडेंट्स वो मैंने अभी आपको ये न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म यानी कि अभी ये न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन, साइटोप्लाज्म यानी कि ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पार्ट्स है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। रिपीट कर रहा हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पार्ट्स है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल के वॉल्यूम से वो अंदर एड होता है, जो सेमी फ्लूइड बोला जाता है उसको, मेनली कंपोज ऑफ वाटर विद फ्री फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स, विद द फ्री फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स। समझना स्टूडेंट, इन साइड द साइटोप्लाज्म ऑल सेलुलर एक्टिविटी लाइक गैसेज एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज हेरिडिटी मैकेनिज्म एक्सेट्रा। देखो तीन वर्ड्स दिखाए हैं कि CO2 और O2 रेस्पिरेशन 11th में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ाया जाएगा कि गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कैसे हमको हमारे बॉडी में से बाहर निकलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन टू बाहर निकलते हैं एनवायरमेंट में। ऐसे ही हेरिडिटी मैकेनिज्म मैंने आपको बोला आगे कि जो DNA है, DNA वो हेरिडिटी यानी कि पेरेंट्स जैसे हम क्यों दिखते हैं, तो वो भी डिपेंडेंट है साइटोप्लाज्म। यानी कहीं ना कहीं ये जो थ्री ऑर्गन्स मैंने आपको आगे दिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है जिससे हम सेल पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो ऑल्सो कंटेन अदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उसको बोला गया है सेल ऑर्गेनल्स, जो हमारा सेल्स के अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रेजेंट रखता है। उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, कोल्की कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, काफी सारे हैं जो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्की एपरेटस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, रिबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, काफी सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हुई खास इंपॉर्टेंट चीज, इसमें क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये जो है इनसाइड द साइटोप्लाज्म सेलुलर एक्टिविटी लाइक गैसेज एक्सचेंज, जो ये इम्पोर्टेंट है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड हेरिडिटी मैकेनिज्म, जो हम आगे इसमें इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। सुने ऐसा नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि आगे हम इंफॉर्मेशन लेंगे, एक एक चैप्टर है गैसेज एक्सचेंज, तो उसका एक प्रॉपर चैप्टर है 11th के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी में। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटीरियल हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है उसके लिए भी एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। हेरिडिटी एंड मैकेनिज्म जो चैप्टर है 12th के अंदर, हेरिडिटी वाला, ठीक है, जेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे हम इसकी इंफॉर्मेशन लेके आगे आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहर का मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे। तो कहते हैं बाउंड्री ऑफ द सेल विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि अभी एक ड्राइंग करूंगा मैं सिंपल यहाँ पे सेल्स का, कि ये जो सेल्स है आउटर बाउंड्री है, वहां पे एक बाउंड्री लगाते हैं अगर आउटर बाउंड्री, सॉरी थोड़ा ड्रॉइंग
तो विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये जो है आउटर जो जो टॉक्सिक मटेरियल्स है, टॉक्सिक पार्टिकल्स है, वो सेल के अंदर आने से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, उसको स्टॉप करता है. एंड सेल एंड कंट्रोल्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस. सेल के अंदर CO2 एंड O2 जो प्रोसेस होती है, यानी O2 CO2 CO2 जो प्रोसेस होती है, उसमें भी कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होता है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल्सो मॉलिक्यूल्स एंड अदर कंपोनेंट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स ऑफ अ कंटेन सेल वॉल. दो बात की, प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, दोनों की बात की. और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है गैस एक्सचेंज नहीं होते, जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल होते हैं वो भी एक्सचेंज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू सेल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर एंड आउटर टू इन सेल. ठीक है? एंड द आउटर मेम्ब्रेन इट्स कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो इंफॉर्मेशन थी, सिंपल इंफॉर्मेशन सेल ऑर्गेनाइज के बारे में, जिसका मैंने आपको दिखाया सेल ऑर्गन के बारे में, अब इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे. तो नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, फर्स्ट मैंने आपको बोला कि सेल के बारे में डेफिनेशन बोला, डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बारे में हमने आगे बात की. सबसे पहले ल्यूवेन हॉक के बारे में बात की, बाद में मैंने आपको बताया रॉबर्ट हुक के बारे में, उसकी जिस उस उन्होंने सेल पे जो वर्क किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी. उसके बाद थोड़ी सी स्लेडन और स्वान के बारे में दी. उसके बाद जो सेल थियरी कंप्लीट करने में जिसने योगदान दिया उसका नाम था लुडोविशो, सेल डिविजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी. उसके बाद सेल थियरी में जो स्टेटमेंट था वो 4 स्टेटमेंट हमने किए. उसके बाद सिंपल सेल था, सिंपल सेल बनाने के लिए जो नीडेड है 3 ऑर्गन्स, उसके बारे में भी हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली. नाउ स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे अगले चैप्टर में कि साइज ऑफ सेल्स, डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे. और डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे. एंड देन फिर बात करेंगे हम सेल के बारे में और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन लेंगे, जो आपको गुसेट नेप के बारे में वेरी हेल्पफुल होगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.